में जीवात्माएं हमेशा हमारे हृदय में वास करती हैं। सर से एक अभिभावक, एक माँ होने के नाते मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने 2013 में डिबेटिंग में पार्टिसिपेट किया था, जब मेरे को LPS न्यू के दसवीं विभाग में मैं गई थी और मैंने वहाँ पे पेरेंटिंग के ऊपर टिप्स बोले थे, डिबेट की थी। मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी, ये नहीं है कि आज मैं माँ बन चुकी हूँ या मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मेरे से गलतियाँ नहीं होती हैं। मैं यहाँ पर भी और अपने घर पर भी बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा शायद गलतियाँ मेरे से ही होती हैं। सर ने मुझे उस टाइम पे भी कलेक्ट किया था और मैं आई हैड वन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइज एट दैट टाइम इन दैट डिबेटिंग टिप। और सर ने मुझे वहाँ पे कलेक्ट किया था, कई मेरे को पॉइंट्स दिए थे सर ने कि यहाँ आप बोलते ऐसे बोलते तो शायद आप फर्स्ट आ सकते थे। लेकिन तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन प्राइज जीता था, मैं तब भी बहुत खुश थी, मैंने तब भी सर का बहुत आभार प्रकट किया था कि सर आपने हमें एज अ पेरेंट एक मौका दिया बोलने का। सर बहुत ही अच्छे थे, सर ने हमारे बच्चों को हमें बहुत कुछ सिखाया है और आगे अब इंदर सर हमारे बच्चों को और हमें भी बहुत सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को गाइडेंस देनी है। अभी सर ने जो टैपिंग सिखाई है, शायद ओम गुरु भुवः स्वः का मंत्र बोलते हैं लेकिन विद टैपिंग आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अब आगे बच्चों को जाके अभी हम सिखाएंगे इस चीज़ को। और सर ने बहुत हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा कि हम एक अच्छे टैलेंट बन सकें, हमारे जो अंदर जो अवगुण है उनको दूर करने की सर ने बहुत कोशिश करी। मेरे दोनों बच्चे आर्य गुप्ता कक्षा चौथी और भव्य गुप्ता कक्षा आठवीं, दोनों बच्चे मेरे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और भी मैं बहुत अपने नेबर्स में मोटिवेट करती हूँ स्कूल के लिए। मेरे बिल्कुल सामने घर में भी दो बच्चे हैं वो LPS में आए पढ़ते हैं और मैंने ही उनको मोटिवेट किया था कि इस स्कूल में हर तरह की शिक्षा का बच्चों को ग्रहण दिया जाता है, जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे उससे सबसे ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जितना इस स्कूल के अंदर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है शायद और स्कूल में नहीं। और मैं अपना बोलना बिल्कुल मतलब ये कहना चाहती हूँ कि हमें सर ने जो सिखाया है हमें उस राह पर चलना है और सर की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और सर भी हमारे साथ हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स टू गिविंग मी द चांस टू स्पीक समथिंग अबाउट सर। आई एम रियली हाईली ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।